हेलो दोस्तों, एक्सेल की इस वीडियो में आज मैं आपको एम्प्लॉयज की प्रोडक्ट सेल के अकॉर्डिंग उनका इंसेंटिव निकालना सिखाऊंगा। तो इसके लिए इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। दोस्तों आप देखोगे मैंने यहाँ पर कुछ एम्प्लॉयज के नेम लिए हुए हैं और साथ साथ उनके क्वार्टर वन के प्रोडक्ट की सेल और साथ साथ क्वार्टर टू की प्रोडक्ट की सेल भी ली हुई है। अगर कोई भी एम्प्लॉयज क्वार्टर वन और क्वार्टर टू दोनों में 1000 की सेल करता है तो उसे 2000 रुपए का इंसेंटिव मिलेगा, लेकिन अगर एम्प्लॉयज की या तो क्वार्टर वन में या क्वार्टर टू में 1000 से कम की सेल होती है तो उसे इंसेंटिव नहीं मिलेगा, यानी वहाँ पर नो इंसेंटिव आ जाएगा। तो इसको हम कैसे करेंगे, आइए चलो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए मैं इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट, अब लॉजिकल टेस्ट में मुझे यहाँ पर क्वार्टर वन और क्वार्टर टू दोनों की सेल को देखना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर एंड वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, क्योंकि एंड वाला फॉर्मूला हमारा मल्टी कंडीशन पे काम करेगा। तो इसके लिए मैं एंड वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, देन ब्रैकेट स्टार्ट। अब लॉजिकल वन में मैं क्वार्टर वन की सेल को सिलेक्ट करूंगा, देन उसके बाद में ग्रेटर देन 1000, उसके बाद में कॉमा। अब लॉजिकल टू में मैं क्वार्टर टू की सेल सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद ग्रेटर देन 1000, देन उसके बाद में ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद में कॉमा। अब अगर ये एम्प्लॉयज हमारे क्वार्टर वन और क्वार्टर टू में 1000 से ज्यादा की सेल करते हैं तो उन्हें यहाँ पर 2000 का इंसेंटिव मिलेगा। तो इसके लिए मैं वैल्यू ऑफ टू में 2000 लिख दूंगा, देन उसके बाद कॉमा। अगर कोई भी एम्प्लॉयज किसी भी एक क्वार्टर में 2000 से कम की सेल करता है तो उसे नो इंसेंटिव मिलेगा। तो इसके लिए मैं वैल्यू फॉल्स में मैं इन्वर्टेड कॉमा में नो इंसेंटिव लिख दूंगा, देन उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और एंटर, और फॉर्मूले को नीचे मैं यहाँ पर ट्रैक कर दूंगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर अनुज ने क्वार्टर वन में 1430 की सेल की और क्वार्टर टू में 2589 की, तो इसके लिए उसे इंसेंटिव 2000 रुपए मिल गया है। लेकिन यहाँ पर अनूप ने क्वार्टर वन में सिर्फ 900 की सेल की और क्वार्टर टू में 2754 की, तो इसके लिए यहाँ पर नो इंसेंटिव आ गया है। ऐसी सेम आप आयुष्मान का देखेंगे तो क्वार्टर वन में 974 की सेल की और उसने क्वार्टर टू में 1923 की, तो यहाँ पर भी नो इंसेंटिव आ गया। तो इस तरह से हम एम्प्लॉयज की उनके प्रोडक्ट की सेल के अकॉर्डिंग इंसेंटिव निकाल सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।